बेटी की मौत के बाद बोली मां, दुष्कर्म करने वाले लाल तांत्रिक को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। आखिर क्या है पूरा मामला आपको हम बताएंगे, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर खबर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। सबसे पहले बढ़ते हैं खबर की ओर। बता दें कि यूपी के बहराइच में कुछ दिनों पहले दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जहां इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत के बाद मां बोली, दुष्कर्म करने वाले लाल तांत्रिक को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दरअसल बीते 4 नवंबर को एक स्थानीय तांत्रिक ने इलाज करने के नाम पर झाड़ फूंक करने के बहाने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसका इलाज लखनऊ में चल रहा था। इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार के लोग शव लेकर घर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हंगामे की भनक लगते ही मौके पर पहुंचे SDM और CO के समझाने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि कोतवाली देहात क्षेत्र के एक बाजार निवासी 26 वर्षीय युवती के साथ एक तांत्रिक ने झाड़ फूंक के बहाने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोप लगा था कि दुष्कर्म के बाद युवती के गुप्त अंगों को भी आरोपी ने गहरी चोट पहुंचाई थी। इस वारदात के बाद गंभीर हालत में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर इसे लखनऊ रेफर कर दिया गया था। लखनऊ में गुरुवार को इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। इसके बाद परिवार के लोग शव लेकर घर पहुंचे, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर परिवार के लोग नाराज हो गए, जहां परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने पर SDM सदर सुभाष धामी, CO सिटी जंग बहादुर यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के आश्वासन के साथ ही जल्द ही आरोपी को सजा दिलाए जाने की बात कही। वहीं परिवारिक जनों को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। तकरीबन एक घंटे बाद देर शाम को मृतका का अंतिम संस्कार किया गया। तब जाकर पुलिस और प्रशासन की टीम ने राहत की सांस ली। ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद। देखिए, ये जो घटना चिलौरिया की हुई है, इस संबंध में पीड़ित परिवार से जो हम लोगों को तहरीर मिली थी, तत्काल जो भी धारा बनती थी तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और पीड़िता का बयान भी दर्ज करके जो अभिलेखित साक्ष्य हैं सबको विवेचना में शामिल किया गया है। अभी चूँकि उसी दिन से फरार है तो माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट भी हम लोग द्वारा जारी करा लिया गया है और हम लोग अविलंब यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर संबंधित धाराओं में चार्जशीट लगा कर माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक सजा कराई जाए। इसमें प्रकरण ये है कि ये घटना की जो आप बात कर रहे हैं वो 4 तारीख की है। उसके बाद इस घटना के विरुद्ध जो FIR लिखाई गई थी कोतवाली देहात थाने में, और जो पीड़िता की जो मृत्यु हुई है वो कल सुबह हुई घटना हुई है। और अभी जो परिवार की डिमांडें हैं, परिवार बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध है, और क्योंकि परिवार की जैसी हालत देखी गई, घर की हालत देखी गई, परिवार की हालत देखी गई, वो बहुत ही गरीब एक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके जितने भी हो सके क्या कहते हैं प्रशासन से जितनी मदद की जा सकती है वो हमारी तरफ से की जाएगी। और साथ में पुलिस की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ के उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद।